बीसीसीआई अगर बदल दे ये नियम तो अगले साल भी खेल पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल को लेकर आया बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। आईपीएल 2024 के समाप्त होने के बाद से ही फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी पहचान कैप्टन कूल के नाम से जानी जाती है, वह अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया था और टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई थी क्योंकि उन्हें विराट कोहली की टीम आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं क्रिकेट जगत में अटकलें लगाई जा रही है कि क्या धोनी एक बार फिर पीली जर्सी पहनेंगे या टीम में कोई नई भूमिका निभाएंगे, क्योंकि खेल के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बावजूद सीएसके में धोनी की विरासत को नकारा नहीं जा सकता। 2008 में सीएसके की स्थापना के बाद से धोनी फ्रेंचाइजी की सफलता के पीछे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 5 खिताब दिलाए हैं। धोनी एक ऐसे कप्तान है जिन्होंने अपनी कप्तानी और रणनीतियों से टीम को आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में एक बनाया। तो वहीं बात करें बीसीसीआई के फैसले की, तो क्रिक बज की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी का भविष्य बीसीसीआई के एक महत्वपूर्ण फैसले पर टिका है। मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति है, क्योंकि आईपीएल फ्रेंचाइजी अधिकतम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, और अगर यह नियम कायम रहा तो धोनी की वापसी की संभावना काफी कम है, क्योंकि रिपोर्टों के मुताबिक धोनी इस सीजन में रिटेन करने के लिए शीर्ष विकल्पों में से नहीं है। रिटेन करने के लिए पसंदीदा खिलाड़ियों में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, श्रीलंका के मथीसा पतिराना और शिवम दुबे होने की उम्मीद है। अगर रिटेन करने की सीमा 5 या 6 खिलाड़ियों पर सेट की जाती तो एक मौका है कि धोनी अपना खेल करियर जारी रख सकते थे। हालांकि अगर रिटेंशन की संख्या 4 पर सीमित रहती है तो सीएसके की रणनीति युवा प्रतिभाओं और मौजूदा प्रमुख खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे संभवतः धोनी को मेंटरिंग की भूमिका में रखा जा सकता है। तो वहीं बीसीसीआई द्वारा रिटेंशन की संख्या पर अंतिम फैसला 31 जुलाई को आईपीएल फ्रेंचाइज मालिकों के साथ बीसीसीआई की बैठक के दौरान लिया जाएगा। यह फैसला सीएसके सहित सभी टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगा। रिटेंशन की सीमा न केवल धोनी की संभावित वापसी को प्रभावित करेगी, बल्कि मेगा ऑक्शन में टीम की तैयारियों पर भी असर डालेगी। यदि नियम अधिक रिटेंशन की अनुमति देता है तो धोनी प्लेइंग 11 में अपना स्थान बरकरार रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले सीजन में धोनी को मेंटर के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग टीम में वापसी होगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।